Hello friends, today we are going to see motion. What is motion? Okay, so anything which is moving around ourselves, जो भी चीज़ हमें move होते हुए दिख रही है, they are all in motion. So let's the definition of it. Motion क्या होता है? Change in the position of an object. तो you can see this is the object. एक person है जो cycle के ऊपर है, वो rest में है. So अगर ये अपनी position change करता है time के साथ, तो हम कहेंगे कि ये किस में है? Motion में है. तो now it is in motion. Everything in the universe is constantly in motion. तो universe में जो भी चीज़ें हमारे surrounding में, सब चीज़ें motion में. जो चीज़ें हमें दिख रही है कि steel है, मतलब ठहरी हुई है, वो भी क्या है? Motion में है, क्योंकि earth खुद ही rotate कर रही है, right? तो we can describe motion. हम अगर हमें motion को describe करना है, तो हम तीन चीज़ों से describe कर सकते हैं. Distance, speed, acceleration. इसको हम बाद में समझेंगे. तो let's see first a type of motion. तो अगर motion को हमें देखना है, तो हम motion अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं. अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ में हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं लीनियर मोशन, जैसे कि कार ऑन ए हाईवे. नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, जैसे कि फेरिस व्हील सर्कुलर मोशन में घूमती है. देन इज रोटेशनल मोशन, स्पिनिंग अराउंड एन एक्सिस. तो जो हमें पता है यहाँ पे फैन है, फैन एक्सिस के अराउंड में घूम रहा है, तो कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन. ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें बैक एंड फोर्थ मोशन होता है. तो पेंडुलम का जो स्विंग है, वो कौन सा मोशन कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थ्री टॉपिक्स, दैट इज डिस्टेंस, स्पीड एंड एक्सेलरेशन. तो लेट्स द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस. अगर हमें मोशन को क्वांटिफाई करना है, मेजर करना है, तो हम डिस्टेंस से मेजर कर सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट एक स्टेडी पाथ में था, तो उसने अपनी पहले पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक जितना भी पाथ ट्रैवल किया है, टोटल लेंथ ट्रैवल की है, उसको अगर हमें मेजर करना है, तो उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस. नेक्स्ट इज स्पीड. तो जो भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है पहले पोजीशन से आखिरी पोजीशन तक, वो उसने कितने जल्दी कवर किया है, अगर उसको मेजर करना है, तो उसको हम मेजर करते हैं विद द स्पीड. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. अगर जो स्पीड, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाते वक्त अगर उसकी स्पीड बढ़ती है या कम होती है, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन द स्पीड अगर होता है, तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन. Now let's see the importance of motion. Motion का importance क्या है? तो ये बहुत ही fundamental quantity है जो हमारे everyday life में हम देखते हैं. जैसे कि transportation है, cars, trains, planes, ships, they are all used for transportation. Recreation, we enjoy activities like cycling, swimming, dancing. Why? Because of motion. Technology, जो भी हमारे surrounding में चीज़ें हैं, जैसे कि machines है, robots है, even the computers, मैं अभी mouse का motion movement कर रही हूँ, these are all the technology happening because of motion. Scientific discoveries, जैसे कि physics में, engineering में, space के exploration में, in all these things there is a importance of motion. So this is it for today. Thank you for watching. See you in the next.